एनसीईआरटी का, भाई साहब इतना सारा जो एक आप साल लोग का है, सब चीजें जो आप तो लोग आपने बोलता इंडिविजुअली जा जाके बनाई है? रहे, ओ थैंक यू सर। मतलब इसमें साइंटिस्ट है और जो लर्न करने वाला है वो है, पब्लिश कब जैसे हुआ था वो है? डेटा है, मतलब इतना याद कर लीजिएगा, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, ठीक ठीक है। और पीएचडी जो किए हैं वो भी रख दिया गया है। नोबल वाले कभी कभी आते हैं, अदर प्राइज से रिलेटेड, ठीक है। तो कहिए ये करा दें, थोड़े टाइम में हो जाएगा, इसको फिर याद कर लीजिए आप लोग। सर, नहीं तो आप लोग कहिए चैप्टर कराए। इसी को करा दो सर, फिर चैप्टर कर लेंगे। आरएम कैसे करें? क्योंकि वो कराने पे फिर 12 का फिर से रिवीजन हो जाएगा, डेटा हाँ वाला जो बोलता है वही है, तो 12 एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा, मतलब और कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट तो कर लिए, नहीं ये तो कहिए तो कराए, इसमें क्वेश्चन है ढेर सारे। डाटा वाले ही कर ले पहले। यही कर रहे थे हम यार, क्वेश्चन ही सेलेक्ट कर रहे थे अभी, तभी टाइम लिए थे, रात में कर नहीं पाया था, लेट आया था। डाटा वाला कर लेते हैं, बोल बोलिए आर्यन। नहीं कैसे भी करा दो। नहीं ये वाला कर लीजिए, या तो याद कर लीजिएगा इसको, सब एनसीईआरटी का ही है। सर याद करना है तो बाद में कर लेंगे खुद ही। तो फिर आप बताओ। नहीं तो ये बात आप बताइए, कर चाहे जैसे कर लो, आवाज कट रही है आपकी। हेलो करना ही है। आर्यन, क्या बोल रहे हैं? वगैरह क्या बोल रहे हो आप? सर की आवाज कट रही है ना? कट रही है। और बताओ कैसे चल रही है तैयारी? फुल ठीक चल रही है यार। टॉप अप करने का प्लान? टॉप करने का क्या बोल लेते हैं, केमिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें देखा जाए तो हार्मोन समय पढ़ना है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्मोन क्या है, नॉन न्यूट्रेटिव और केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस ट्रेस अमाउंट, मतलब कौन सा मैसेंजर प्राइमरी मैसेंजर के रूप में यूज होता है। नहीं तो बाकी इसमें ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम आप जान ही रहे हैं सारा, कहाँ कहाँ पे है, जैसे पिट्यूटरी हो गया, पीनियल हो गया, थायराइड हो गया, एड्रेनल हो गया, पैनक्रिया, पैराथायराइड, थाइमस हो गया, गोनेड हो गया, टेस्टिस मेल एंड फीमेल ओवरी, सम अदर बॉडी भी इसमें रहते हैं, जैसे जीआईटी हो गया, लीवर हो गया, किडनी, हार्ट प्रोड्यूस सम हार्मोन, ये भी यहाँ पे मेजर हार्मोन का, क्योंकि इसमें हाइपोथैलमस का नाम नहीं आया हार्मोन में, क्योंकि हाइपोथैलमस कोऑर्डिनेट करता है न्यूरल सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम के बीच में, इसलिए यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से आया नाम, ठीक है। तो हाइपोथैलमस पे आते हैं, हाइपोथैलमस जैसे हमने बोला कि ये क्या कोऑर्डिनेशन का काम है, तो ये दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करेगा, एक रिलीजिंग करेगा और एक इनहिबिटिंग, मतलब कि पिट्यूटरी को रिलीज करने, मतलब कि डायरेक्ट करेगा, और अगर फिर से ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है तो फीडबैक मैकेनिज्म से उसे सिग्नल मिलेगा, ठीक है, तो उसे इनहिबिट भी करेगा। तो दो तरह का बेसिकली हार्मोन प्रोड्यूस करता है, टू टाइप्स है, और वो दो टाइप कौन सा है, एक तो हमारे पास रिलीजिंग है, दूसरा क्या है,
इनहिबिटिंग रिलीजिंग हार्मोन जो विच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन और दे इनहिबिट फॉर्मेशन विच इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, अब इसमें रिलीजिंग हार्मोन जैसे फॉर एग्जाम्पल गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, स्टिमुलेट पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द गोनेडोट्रोपिन। और इसमें अदर हैंड में देखा जाए तो सोमाटोस्टेरिन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, इनहेबिट जो करता है रिलीज हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। तो सोमेटोस्टेरिन क्या हो गया, एक तरह से इनहेबिटरी फॉर्म होता है जो इनहेबिट करता है फर्दर किसको, पिट्यूटरी, हाँ, प्रोथॉर्मोन जो भी पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेट करती है उसके अपोजिट में। और दे हार्मोन ओरिजिनेटिंग हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पासेस थ्रू एक्सॉन रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, दिस हार्मोन रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। यहाँ पे दो तरह से, एक पोर्टल सर्कुलेशन से होता है, एक डायरेक्ट एक्सोनल से होता है। दो तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी जो मतलब एंटीरियर पार्ट होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी में देखा जाए तो पोर्टल सर्कुलेशन से आता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो रिलीज होता है डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन होता है एक्सोनल। हाँ जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हाइपोथैलेमस, ये देखिए ये पार्ट है, ये जाके कहाँ पे जुड़ गया, पोर्टल सर्कुलेशन में। अब पोर्टल सर्कुलेशन के मेथड से क्या होगा सर, यहाँ पे सिक्रीट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी। और इधर देखा जाए तो पोस्टीरियर वाला डायरेक्ट एक्सॉन, देखिए एक्सॉन इलांगेट होके डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में चला गया। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी अभी हम लोग देखेंगे टू टाइप का हार्मोन सिक्रीट करता है, एक कौन सा एडीएस सिक्रीट करता है वेसोप्रेसिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो मतलब इसका रिलीजिंग करता है लेकिन जो सिक्रीट करता है तो हाइपोथैलेमस ही बनाता है, केवल एक तरह से कह सकते हैं गाल ब्लैडर की तरह वर्क कर रहा है, मतलब स्टोरेज का काम कर रहा है और सिक्रीशन का काम कर रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस एडीएच। और एंटीरियर पिट्यूटरी में देखा जाए तो आपका इसका एडेनो डायग्राम हाइपोथैलेमस नाले बोला पूछ जाता है, लेगा। इसमें दो तीन बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो सेमन लगभग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड देखा जाए तो कहाँ पे रखा रहता है, सेला टर्सिका में रहता है। ठीक है, पिट्यूटरी लोकेट पोनी कैविटी जिसे सेला टर्सिका बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखा जाए आगे एडिनो हाइपोफाइसिस, मतलब जिसे बेसिकली कह सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, एडिनो हाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। और एडिनो हाइपोफाइसिस ही क्या होगा, फर्दर डिवाइड होगा पारस डिस्टलिस से और पारस मीडिया, दो पार्ट होता है पारस डिस्टलिस और पारस मीडिया, पूरा मतलब मर्ज होता है। ठीक है, मतलब सेपरेट नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं दो पार्ट होता है पारस डिस्टलिस और पारस मीडिया। लेकिन पारस डिस्टलिस से अगर देखा जाए तो 6 हार्मोन हो जाएंगे, ठीक है, और पारस मीडिया से एक हार्मोन होगा जो एमएसएच होता है। ठीक है, पारस डिस्टलिस सिक्रीट ओनली वन हार्मोन मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और मेरा एंटीरियर में बहुत सारे हार्मोन है, सारे का नाम याद रखना है। इसमें गोनेडो ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच हो गया, एडनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये टोटल मिला के 7 हार्मोन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन, तो कितने हो गए, पूरे 9 हार्मोन सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब जिसे हम लोग पारस नर्वोसा पार्ट बोलेंगे और बेसिकली कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और स्टोरेज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, स्टोरेज एंड रिलीज 2 हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, और एक्चुअल में ये प्रोड्यूस करता है कौन, हाइपो थैलमस, लेकिन रिलीजिंग का काम करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओवर सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन
अब यहाँ पे डिजीज का दिया है, अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाता है बॉडी में, इसे हम लोग गिगेंटिज्म बोलते हैं। लोअर सिक्रीशन से भी बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे डॉर्फिज्म हो जाएगा, मतलब ये चाइल्ड में अगर हायर सिक्रीशन होता है तो गिगेंटिज्म हो जाएगा, और अगर लो होता है डॉर्फिज्म बोनो हो जाता है, बोनापन। और अगर मिडिल एज में देखा जाए तो मिडिल एज में एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एडल्ट स्पेशली मिडिल एज, तो इसे डिसफिगरमेंट हो जाता है, जिसे हम लोग एक्रोमेगैली बोलते हैं। बेसिकली ये फेस पे इफेक्ट करता है। और फिर आते हैं प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क ग्लैंड। थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ थायराइड, यानी कि थायरेक्सिन के एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। ACTH एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन सिक्रीट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड ग्लुकोकॉर्टिकॉइड, जो एडेनल कॉर्टेक्स से निकलता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन गोनेट एक्टिविटी, हेंस गोनेडोट्रॉपिन बोला जाता है। मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है बता सकता कोई? मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? लीडिंग सेल लीडिंग सेल को क्या है? को स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन बनाने के लिए। और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? हाँ, टोरी सेल्स को सिमुलेट करता है और वो बनाते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग दिस प्रोटीन्स। और सर मेल एंड्रोजन का पूछ रहे हो ना या रेगुलेटिंग, फीमेल का पूछ रहे? स्पर्मेटोजेनेसिस में रेगुलेशन भी करता है, ठीक है। और फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली ओवुलेशन करता है और मैच्योर फॉलिकल का मेंटेन कॉर्पस लुटीन फॉर्मेशन ऑफ रिमेन ग्रेफियन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन। FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल ऑफ द फीमेल। MSH जो है मेलेनो, जैसे MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलेनिन कंटेंट सेल में बनाता है, जिसे रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, जो स्किन कलर होता है इसी की वजह से होता है। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल, मतलब जो किस मसल को मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है लेबर पेन, स्मूथ मसल को करता है, कहाँ पे पाया जाएगा स्मूथ मसल? मायोमेट्रियम में उसी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। फीमेल स्टिमुलेट वेगेरियस कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस चाइल्ड बर्थ मिल्क इजेक्शन एंड फीमेल मेमरी ग्लैंड। वैसोप्रेसिन एक्ट मेनली किडनी पे, जो ADH मतलब एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है, कहाँ पे वर्क करता है? डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूबुल और कलेक्टिंग ट्यूबुल, डी ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर फर्दर। अगर इसकी मतलब कमी हो जाती है तो हमें क्या उनसे डिजीज होता है? डायबिटीज इंसिपिडिस होता है, जिसमें बहुत सारे मतलब डायरेटिक हार्मोन है, बहुत ज्यादा यूरिन सिक्रेट करते हैं पर्सन, ठीक है। पीनियल ग्लैंड आ जाते हैं। पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रेट करता है। मेलेटोनिन हार्मोन क्या होता है जानते हैं? मेलेटोनिन बहुत फेमस वर्ड है। पीनियल ग्लैंड इज लोकेट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है, याद रखना है डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। और पीनियल सिक्रेट करता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन बेसिकली हमारा जो मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक है, रिदम है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। डायरनल रिदम ऑफ द बॉडी, ठीक है। एग्जाम्पल, हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम, स्लीपिंग वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर। एडिशन मेलेटोनिन इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिक और पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस कैपेबिलिटी। इसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसे हम लोग थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पे देखने से ही लार्जेस्ट लगता है, देख सकते हैं ये पूरा थायराइड ग्लैंड है। टू लूप में बटा हुआ, लेफ्ट और राइट, पीछे से फ्लैप की तरह जुड़ा है, जिसे हम लोग इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। दो लूप को, यानी कि थायराइड ग्लैंड टू लूप होगा, विच आर लोकेटेड आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। बोथ लूप आर इंटरकनेक्टेड विद फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम लोग इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। इस समय से बहुत जगह वर्ड आता है, कॉमन वर्ड है, ठीक है। द थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल एंड स्टोमल टिश्यू, मतलब थायराइड ग्लैंड दो तरह से मतलब फॉलिकल और स्टोमल टिश्यू से बना हुआ है। इस थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर से इंक्लोजिंग ए कैविटी,
रिच फॉलिकल सेल सिंथेसाइज टू हार्मोन, ठीक है, जिसमें टेट्रा आयडोफारिन बोलते हैं, यानी कि T4 बोला जाता है कॉमनली, और T3। T4 T3 में ज्यादा अंतर नहीं, और T3 कम रिलीज होता है, मोर एक्टिव होता है देन T4, बस बाकी सारा कुछ सेम है। आयोडीन एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस थायराइड। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट क्या कहलाता है? हाइपोथायरॉइडिज्म हो हाँ जाएगी, और जी मतलब कॉज करता है गॉइटर कॉल करता है, ठीक है। हाइपोथायरॉइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ बेबी लीडिंग टू स्टंट ग्रोथ, क्रेटिनिज्म हो जाएगा एंड मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, क्वाइटेंट रेट, एबनॉर्मल स्किन डीप डीप है, म्यूटिज्म बहुत सारा हो जाता है, ठीक है। हाइपरथ्री सिक्रेशन मतलब जो ज्यादा हाई लेवल लीडिंग टू कंडीशन हाइपोथायरायडिज्म का, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द बॉडी फिजियोलॉजी, जिसे एक्स पैथोलोमिक क्वाइटर बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड थायरेक्सिन हार्मोन से, जिसमें देखा जाए आई वगैरह बल्ज हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट वगैरह वेट लॉस हो जाता है, जिसे कुल कॉमनली लोग क्या कहते हैं, ग्रेप्स डिजीज बोला जाता अच्छा है। हाँ, थायराइड हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, दीज हार्मोन आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, थायराइड हार्मोन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ आल्सो इन्फ्लुएंस बाय थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन सिक्रीट प्रोटीनिन, दूसरा जो आप TCT बोला जाता है, थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को हमेशा क्या करेगा, लो करेगा, ठीक है। ब्लड कैल्शियम लेवल को लो करने का काम कौन करता है? TCT, ठीक है। और पैराथायरॉयड क्या करता है? पैराथायरॉयड ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन कम ब्लड करता है कैल्शियम को रिजॉर्प्शन। बढ़ाता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता मतलब हाँ मतलब ब्लड बहुत बढ़ाता है, उससे कम करता है ब्लड। है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए, ब्लड में पैराथायराइड हार्मोन बढ़ाएगा और TCT कम करेगा, ठीक है। तो ये इनका एंटागोनिस्टिक एक तरह से फंक्शन है, ठीक है। बाकी मतलब बढ़ाएगा सब जगह से, मतलब बोन को भी रीअब्जॉर्ब कराएगा, डिजुलेशन कराएगा, डीमिनरलाइजेशन, ठीक है। और कह सकते हैं भोजन में भी जो कैल्शियम रहेगा उसके अब्जॉर्बेशन को भी बढ़ाएगा, ओवरऑल सब मिला के ब्लड में कैल्शियम उसको बढ़ाना है बस, ठीक है। थाइमस, थाइमस आप जानते हैं ये ल्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे पाया जाता है? लंग्स बिहाइंड स्टर्नम एंड बेंटर साइड ऑफ द एरोटा, ये पूरा याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे? लोकेट बिहाइंड बिहाइंड लंग्स स्टर्नम एंड बेंटर साइड ऑफ एरोटा। थाइमस प्ले मेजर रोल डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन जिसमें थायमोजिन बोला जाता है, ठीक है। थायमोजिन प्ले मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट व्हिच प्रोवाइड ए सेल मीडिएट इम्यूनिटी। इन एडिशन थायमोसिन आल्सो प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। और थायमस डी जनरेट इन ओल्ड इंडिविजुअल रेगुलर डिक्रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थायमोसिन, एज रिजल्ट इम्यून सिस्टम ओल्ड पर्सन क्या होगा, वीक होता है। बिल्कुल एड्रिनल, एड्रिनल भी हार्मोन, अब देखा जाए एड्रिनल हार्मोन कहाँ पे पाया जाएगा? किडनी के इंटीरियर पार्ट में, इंटीरियर इंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच किडनी में पाया जाता है, यानी कि अगर देखा जाए एड्रिनल ग्लैंड कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, वन पेयर, यानी कि ग्लैंड कंपोज ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू, जिसमें एड्रिनल मेडुला होता है, ठीक रिनल है, कॉर्टेक्स सेंट्रली लोकेटेड जो रहता है टिश्यू उसे एड्रिनल मेडुला बोलते हैं, आउटसाइड जो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। फर्दर एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 पार्ट में बढ़ जाता है, GFR बढ़ जाता है, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। आउटर ट्यूनर अगर हम लोग ये बांट देंगे, ठीक है। अंडर प्रोडक्शन ऑफ, ये बहुत पूछा जाता है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ किसके? एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल पूरा ओवरऑल, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल एडिशन डिजीज बोला जाता है, एडिशनल डिजीज, डिसीज
हाँ, तो एड्रेनल मेडुला सिक्रीट हर टू हार्मोन, जिसमें एड्रेनलिन होता है और इसे एपिनेफ्रिन कहते हैं, या नॉर एड्रेनिन नॉरेपिनेफ्रिन और कहते हैं, कामनली कॉल कैटा कोलामाइन बोलते हैं नहीं। और ये मतलब 3F हार्मोन भी बोलते हैं हम लोग, 3F हार्मोन, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेनल नॉर नॉर एड्रेनिन आर डेडली सिक्रीट रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, जिसे हम लोग इमरजेंसी हार्मोन आर हार्मोन ऑफ फाइट फ्लाइट बोला जाता है। दीज हार्मोन इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपुलरिटी, डायलेशन, गूज बम जो होता है, स्वीटनिंग, बोथ हार्मोन आर इंक्रीज हार्ट बीट एंड ग्रोथ ऑफ द हार्ट, अरे सर, स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रेक्शन एंड रेट ऑफ रिस्पायरेशन, जिसमें कैटाकोलेमिन आल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ, ये बहुत जरूरी है, तो ये ब्रेकडाउन भी बढ़ा देता है ग्लूकोज का, इस मतलब ग्लाइकोजन का, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, एडिशन दीज आर स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड भी करता है, प्रोटीन, मतलब ओवरऑल आपको पूरा एडवर्स कंडीशन से बचाता है कि नहीं। हाँ, तो इसमें देखा जाए एडनल कॉर्टेक्स 3 लेयर्ड होता है, जिसमें जो ना हाँ रेटिकुलेटर होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे जी एफ आर पढ़ सकते हैं, ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट आप पढ़ते हैं हमें, तो यहाँ पे भी आउटर टू इनर आपको नाम याद हो जाएगा, ठीक है। आउटर क्या है, जो ना मेरुलेसा आउटर लेयर, और इनर लेयर क्या है, जो ना जोनर रेटिकुलेटर, और मिडिल में रेटिकुलस। फैसिकुलेटर, बस इसी से याद रखिएगा। ठीक, सब मिला के आपको यहाँ पे सिक्रीट होता है कॉर्टी क्वाड हार्मोन, ठीक है। इसमें कई हैं, जैसे कॉर्टिकॉइड बैलेंस, जिसमें मिनरलो कॉर्टिकॉइड होगा, ग्लूको कॉर्टिकॉइड होगा, ठीक है। और एक तीसरा कौन हो जाएगा, एडनो कॉर्टिकॉइड, एल्डोस्ट्रॉन भी सिक्रीट करता है, एल्डोस्ट्रॉन यानी कि जिसमें सोडियम पोटेशियम देखा जाए तो स्टिमुलेट री ऑब्जर्वेशन ऑफ सोडियम वाटर एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम फॉस्फेट, ये एल्डोस्ट्रॉन हेल्प मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, स्मॉल अमाउंट ऑफ एड्रोजन एड्रोजेनिक स्टेरॉइड आल्सो सिक्रीट बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स प्ले रोल ग्रोथ ऑफ, जिसमें मतलब मेच्योरिटी, एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल ड्यूरिंग प्यूबर्टी में। ये हार्मोन आप जान ही रहे हैं, एक ग्लैंड क्या होता है, एट्रोपाइन ग्लैंड है, यानी कि बहुत सिक्रीट करता है, सही कौन सा, आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस, इसमें कुछ है। पार्ट होता है जो क्या सिक्रीट करता है हार्मोन, बाकी क्या सिक्रीट करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ होता है। इसमें डेटा दिया है कि 1.2 बिलियन आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस इज नॉर्मली ह्यूमन पैनक्रिया रिप्रेजेंट कितना, 1 to 2% ऑफ द पैनक्रियाटिक टिश्यू। टू मेन टाइप ऑफ सेल जिसमें आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस, एक अल्फा सेल, बीटा सेल, अल्फा सेल से ग्लूकोगन सिक्रीट होता है, और बीटा सेल से क्या सिक्रीट होता है, इंसुलिन सिक्रीट होता है। ग्लूकोगन क्या करता है, पेप्टाइड हार्मोन, ए प्ले इंपॉर्टेंट रोल मेंटेनिंग ऑफ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ग्लूकोगन एक्ट मेनली लीवर सेल हेपेटोसाइट स्टिमुलेट ग्लूकोजिनोलिसिस, ठीक है, यानी कि फिर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, ठीक है, मतलब हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। और दूसरा यहाँ पे इंसुलिन क्या, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन हो जाएगा, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। और इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, जिसे हम लोग ग्लूकोजेनेसिस बोला जाता है। और अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाता है तो यहाँ पे डायबिटीज होता है, मिलेटिस, डायबिटीज मिलेटिस। उसके बाद यहाँ पे गोनेडिक हार्मोन हो गया, टेस्टिस हो गया, टेस्टिस में आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे पड़े ही हैं, ठीक है। लीडिंग सेल इंटरस्टिशियल सेल कहलाता है, जो एंड्रोजन सिक्रीट होता है, स्टिमुलेशन ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के, और फिर प्रमोट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और ओवरी में इस्ट्रोजन प्रोजेस्टान होता है, कार्पस लुटियम बनाता है प्रोजेस्टान, आप जान ही रहे, तो वो सारा। इसमें कुछ अदर हमने पढ़े थे जैसे हार्ट, किडनी, तो ये तो आप हर जगह पढ़े हुए हैं। आर्टेरियल न्यूट्रेटिक फैक्टर होता है, जो हार्ट के वाल से सिक्रिएट होता है, और ये ब्लड, अरे सॉरी, ब्लड
डायलेटर होता है, ठीक है, यानी कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जो बीपी को कम करने में मदद मिलता है, ठीक है। और यहाँ जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसे हम लोग एरिथ्रोपोएटिन बोलते हैं। एरिथ्रोपोएटिन क्या होता है? एरिथ्रोप्रोसिस करता है। एरिथ्रोप्रोसिस प्रोसेस हम पूरा पढ़ाए हुए हैं आपको, जो आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करता है। मतलब आरबीसी फॉर्मेशन को हम यही क्या बोलते हैं? एरिथ्रोप्रोसिस बोलते हैं। एरिथ्रोपोएटिन उसे मदद करता है। इंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फोर मेजर पेप्टाइड हार्मोन, जिसमें गैस्ट्रिन हो गया, सिक्रेटिन हो गया, और कोलेस्ट्रोकाइनेन सीसीके, और यहाँ पे गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब ये बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ से अगर देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम हट गया है, तो अगर ये सारे नाम आते हैं तो यहीं से आपको आएंगे, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू, जिसे हार्मोन, जिसे ग्रोथ फैक्टर हम लोग बोलते हैं। मैकेनिज्म, इसमें डिटेल में मैंने मैकेनिज्म आपको डिस्कस किया था, ठीक है। हार्मोन प्रोड्यूस इफेक्ट टारगेट टिश्यू पे ही इफेक्ट डालता है, क्योंकि नॉन क्या होता है? डक्ट ग्लैंड होता है, मतलब डक्टलेस ग्लैंड होता है, इसलिए ब्लड में ही ये क्या होगा? रिलीज होगा। ये पूरा हम लोग डिटेल में दो टाइप का होगा। शुरू में हमने नोट्स में ये पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए पेप्टाइड हार्मोन कौन है, स्टेरॉयड कौन है, और अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन है, ठीक है। और इसमें सेकेंडरी मैसेंजर का ये सब नाम याद रखना है, साइक्लिक एएमपी, आईपी3, कैल्शियम आयन, ये सारे। ये लास्ट ईयर फिगर से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया, जल्दी में पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं, कोई नहीं, रख देते हैं मैं। इसीलिए केमिकल कोऑर्डिनेशन है, आप सारा कुछ हमने ऊपर पढ़ दिया डिटेल में, तो आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट, ठीक है। हाँ और कहाँ पे पाया जाता है? कोई पारस डिस्टेलिस, पारस मीडिया होगा, पारस नर्वोसा हो गया, ये सब फंक्शन दिया हुआ। ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन बेसिकली सिक्रीट होता है हाइपोथैलमस से, ठीक है, और मतलब उसे स्टोरेज और सिक्रीशन फर्दर करता है पिट्यूटरी पोस्टीरियर। तो डिसऑर्डर दिया है यहाँ पे, डायबिटीज इंसिपिडिस और एक्रोमेगैली वगैरह बहुत सारे आपको, ठीक है। तो ये अभी हमने पूरा पढ़ लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर जल्दी से पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है ढेर सारे इसमें, ठीक हाँ बताइए क्वेश्चन। चलिए, तो डी ऐसा इनकरेक्ट बोल रहा है। सॉरी सॉरी, तो ये तो यार कल सी वाला सरी होगा, तो कलयुग पूछा था आपने, ये पिगमेंट होता है। ऑप्शन। पहला वाला क्वेश्चन कल वाला हो गया, वही मुझे अरे भी लग रहा, डिलीट कर दिए, डिलीट कर दिया। वो इससे रिलेटेड नहीं कल किया। अलग अलग है, ठीक है, इसको बताइए। अच्छा और फोर्थ ऑप्शन होगा फोर्थ तो गलत, फोर्थ लेकिन अगर हाँ शायद एक मेलाइटिस होता तब सही होता। हाँ इसमें चलो चलो यार, थर्ड अभी पढ़े तब भी नहीं सही कर पा रहे हैं, क्या ऑप्शन बात। होगा और सेकेंड नहीं थर्ड और फोर्थ वैसोप्रेसिन वैसोप्रेसिन पिट्यूटरी ग्लैंड सही है,
फर्स्ट क्या ऑफ पूछ सभी रहा है? गलत ऑप्शन। कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। फर्स्ट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडिस कॉज करता है हाइपोसिक्रीशन से, यहाँ पे दिखा है इफेक्ट, और हाइपोसिक्रीशन ही देखना है आपको, हाइपर सिक्रीशन नहीं देखना है, तो पहला तो सही है। दूसरा कैल्सिटोनिन पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं होता है, थायराइड हार्मोन होता है, ये गलत हो गया, ये भी थर्ड गलत हो सही हो गया। गया, ठीक है। कार्टिसोल एड्रेनल ग्लैंड, कार्टिसोल सही है, एड्रेनल ग्लैंड और सही एडिक्शन डिजीज होता है, ये सही है। इंसुलिन है। फर्स्ट पनक्रिया से ऑप्शन डायबिटीज नहीं कार्य करता, डायबिटीज मिलेटिस कार्य करता है, ठीक है, ये थर्ड सही हो गया। सही अच्छा बताइए इसको। प्लस बी ऑप्शन बी। कौन सा बी? भाई आप लोग पढ़ाई नहीं किए क्या? सही टी तो पर ए होगा, ऑप्शन होगा, कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन सपोर्ट प्रेगनेंसी करते हैं ना। करेक्ट पूछ रहा है ना हाँ, जो पूछ रहा है लिखा हुआ है। ये। थायरोक्सिन कब से रेगुलेट करने लगा ब्लड कैल्शियम लिए? ऑप्शन ही थायरोक्सिन कब तो से? था। अरे यार आप लोग पता नहीं क्या, वो थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन था, अरे TCT है, उसमें दो हार्मोन सिक्रेट होता है थायराइड ग्रोथ, थायरोक्सिन और TCT। क्या सर यार, डी होगा। अब डी कैसे आ गया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट रीऑब्जर्वेशन वाटर बाय डिजिटल ये ऑप्शन कार्बोमेट्री, होना चाहिए। ये ऑप्शन कैसे हो गया यार? बात करते हैं, कार्पस लुटियम कॉर्पस कब से, ल्यूटियम पे हाँ, रेस्ट्रॉन बनाता है। एस्ट्रोजन कब से बनाने लगा? क्या यार, आप लोग अभी पढ़े हैं तब भी यार आप लोग पता नहीं सुन ही नहीं रहे। आप लोग जब बोल देते हैं कि एक बार पढ़ लीजिएगा तो चैप्टर पढ़ते ही नहीं, आप सुनते पढ़ा ही नहीं, था मैंने तो, वो तब कंफ्यूजन हो क्या गई हल्की सी। है? अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। इतनी कंफ्यूजन हो गई तो भाई ये अभी सब आया हुआ क्वेश्चन आप ही में आता है। सी ऑप्शन सही कौन सा ऑप्शन? केस टीसीसी पर चार्ट। ये होगा क्योंकि पैनक्रियाज क्या सिक्रेट करेगा? इंसुलिन इंसुलिन सिक्रेट करेगा, ठीक है, ये का थर्ड हो गया, तो ये का थर्ड में हाइपोथैलेमस क्या रिलीजिंग एक ही से हो गया, हार्मोन। इसीलिए इसमें हमने मैचिंग वाला ज्यादा क्वेश्चन, अभी हम 1 घंटे आप लोगों के लिए मेहनत किए हैं और भी किए, इसमें न्यूरल कोऑर्डिनेशन का भी हम करने वाले थे लेकिन नहीं हो पाता है, बड़ा चैप्टर है ये, आप लोग इसको समझ ही नहीं रहे हैं। चलिए तो ऑप्शन ई कौन सा? अच्छा नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, नहीं गलत सी होगा। है। अरे यार कम से कम एक तो एक सही सेकंड रहता सर, है एक क्या? सेकंड रुकना सर। डी है नहीं, अरे पर सोमे सोमेटो स्टेनिन क्या करता है, कहाँ से सिक्रेट होता है? एडेनो तो अंडरसर्टन तो वहां से होता है। हाइपोफाइसिटी, क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल एडिनल कॉर्टेक्स का होता है ना। एडेनो हाइपोफाइसिस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, तो मेलेटोनिन पहले मिलाइए, मेलेटोनिन मेलेटोनिन कहाँ का फर्स्ट हो गया, से? फर्स्ट हो गया। डीएनए एल्डोस्ट्रॉन
एडनल टेस्टोस्टेरोन कॉर्टेक्स का हो कॉर्पस गया, ल्यूटियम, फोर्थ हो हाँ गया, एडीनल जैसे कॉर्टेक्स कॉर्पस ल्यूटियम। ये हो गया। तो सोमाटोस्टेनिन, आपको आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस देखा जाए तो वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब लगाना ही पड़ेगा कि नहीं, वैसे तो ये वही होना चाहिए मेरे को भी वही लग रहा था। था, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो आप गया। सही नहीं दिया है इसमें, अगर मैं ये बना दे तो ज्यादा सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा ना। सारे मैचिंग दे रखा है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑनलाइन दिखा रहे कि सोमाटो स्टेटिन बहुत सारी जगह से निकलता है और पैनक्रियास से भी निकलता है। वहां से भी निकलता है, वही तो हम भी बोल रहे हैं वहां जो, तो ऑप्शन ए भी सही है अगर हम ये मिटा देते तब भी, लेकिन आप डायरेक्ट जो पढ़े हैं एडनो हाइपोफाइसिस तो भी नहीं लिख सकते हैं। सोमेटोस्टेरोन मतलब इनहेबिटरी हार्मोन है, ठीक है, तो ग्रोथ मतलब जो मतलब कोई भी हार्मोन सिक्रेट होता है उसको इनहेबिट करने में मदद करेगा। अरे यार इतना सर टाइम तो नहीं बी लेना। ऑप्शन बी। ये होगा मेलेटोनिन रिलीज होगा, कौन सा करेगा, डी बायोलॉजिकल ग्लैंड, और इसका रेगुलेट क्या करेगा। साइकिल। चलिए ऐसे रहने देते हैं। जल्दी बताइए फटाफट, एक सेकेंड सर, पिट्यूटरी डी ऑप्शन हार्मोन। बायोजेनिक होता है। पिट्यूटरी देखिए पेप्टाइड होता है, पिट्यूटरी से जो सिक्रीट होता है पेप्टाइड, एसी और एपिनेफ्रिन नहीं था, एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन था बायोजेनिक मेरे होते ख्याल हैं से सर स्टोर, शायद, तो और स्टोर बायोजेनिक होता एंड्रोफाइन। है। हाँ इंड्रोफाइन क्या होगा, एंड्रोफाइन न्यूरोपेप्टाइड हो जाता है, और कार्टिसोल पेप्टाइड होता है, स्टोरी। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। डी हाँ सी ये करिए, अलग अलग है पार्ट यहाँ से, समझ रहे हैं, यहाँ से जाने दें, ये कर चुके हैं, ये करना है यहाँ से, ये करिए। डी करेक्ट ऑप्शन ढूंढना ऑप्शन है, डी डी चीज करेगा बी, डी फॉर बॉल। बी ऑप्शन होगा, क्योंकि इंसुलिन डायबिटीज करता है डायबिटीज कॉज पाइरोक्सिन करता है, थायरोक्सिन क्या काज करेगा, करता है जो ट्रिगर्स आयोडीन कार्टिकॉइड की डेफिशिएंसी एडिशन डिजीज हो को जाएगा, ग्रोथ हार्मोन एक्रोमेगाली की वजह से। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये दो क्वेश्चन है, इसमें मिक्स हो जाता है लगता है रहने दो, बहुत समझ में आ बड़ा। जा रहा है यार, ऐसे बिना स्पेस दौड़ेंगे। हाँ वो पहले टाइम उसको मैचिंग में भी लगा क्वेश्चन मेरे दिक्कत होती है तब कर देना, वैसे रहने दो। था। ये बताइए अभी लेटेस्ट आया था,
कौन ये ऑप्शन सा हार्पस लुटियम टेस्टोस्टेरोन करता है इस्टुलेटिन है? डी थायराइड होगा, वाला थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन, थायरोक्सिस का फैमिली होता है। आयोडीन करेगा डाइट का जो ट्रिक होता है। आप बताइए, समझाइए, नहीं आंसर बताइए। बी ऑप्शन नहीं रुको कौन भी नहीं होगा सा ऑप्शन सही है? अरे बी यार, इतना आसान तो क्वेश्चन होगा है। गलत बता रहे हैं, जी गलत बता रहे हैं ना? सी ऑप्शन सी होगा क्या यार, आप लोग आ रहे हैं। ये देखिए सही है। फर्स्ट ऑप्शन सही है फर्स्ट ये भी सही है ना। अब ग्रेव्स डिजीज माल फंक्शनिंग ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, तो एड्रेनल ग्लैंड से ग्रेव्स डिजीज तो होता नहीं है। एडीएच स्टिमुलेट वाटर सिक्रीशन एंड इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन। इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन नहीं करता, डिक्रीज करता है, ठीक है, और मतलब कंसंट्रेट करता है मेनली। तो ये सी और डी गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो सही तो बताया था बी आप डी बोल रहे थे ना बोला था यार? बी और डी सही सही आप लोग बोला करिए, या तो हम नहीं सही सुनते हैं, या आप लोग नहीं बोलते हैं सही। दो ही चीज हो सकता है। ये करिए, बी ऑप्शन बी 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 फॉर बॉल अब इसमें बी ऑप्शन सही है, क्योंकि मैच करना प्रोलैक्टिन, ये मैच हो जाए एनलार्जमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड, ऑक्सीटोसिन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल मायोमेट्रियम का, ठीक है, पैराथायरम मून क्या करता है, लेवल ऑफ कैल्शियम सर्कुलेशन क्या करता है, और थायमोसिन क्या कम इम्पोर्ट करता है। डी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा ना? हाँ डिफरेंस में इम्पोर्ट नीचे पढ़ लिया करिए, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट। डी ऑप्शन होगा क्या सर इसमें थोड़ा सा गलत लग रहा है देखो बी तो गलत है। अच्छा बी गलत हो गया, दो गलत हो गए, तो और करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ना बाकी इसका इसका नहीं बता रहा, थायरॉक्सिन एरिथ्रो पोइसिस का थोड़ा थायरोक्सिन सा लॉन्ग लग रहा एंड है कॉर्टिसोल स्टिमुलेट एरिथ्रो पोइसिस। सही है, ये थायरोक्सिन और ग्रोथ हार्मोन और ये सब करता ही है। कौन कौन सा हार्मोन रेगुलेट करते हैं एरिथ्रोपोइसिस, इस वाले क्वेश्चन में बहुत बताने में कोई दिक्कत होती है बहुत। बहुत सारे हार्मोन करते हैं रेगुलेट, अगर देखा जाए, और कंबाइन रूप से फंक्शन होगा ना। अब ग्रोथ हार्मोन है तो ब्लड वगैरह बनेगा तभी ग्रोथ होगा, तो थायरोक्सिन तो उसमें हेल्प कर ही रहा है। कार्टिसोल में
कार्टिसोल भी एल्डोस्टेरोन मिनरलो कॉर्टिकॉइड ग्लूको कॉर्टिकॉइड तो भी तो कर ही रहा। तो ये हो गया सही। और ऑक्सीटोसिन एंड प्रोजेस्टर आइडेंटिकली इन फंक्शन रिगार्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये पूरा नहीं सही है रिगार्डिंग। ठीक है, ऑक्सीटोसिन तो मेंटेन नहीं करता ना। एल्डोस्टेरोन एंड आर्टियल न्यूट्रेटिक पेप्टाइड एंटागोनिस्टिक रिगार्डिंग एंड रीनल सही एब्जॉर्बेशन, ये सही है। क्योंकि मतलब कि दोनों एंटागोनिस्टिक, एक क्या होता है वैसो डायलेटर होता है, एक वैसो कॉन्स्ट्रक्टर होता है। एक क्या है वैसो डायलेटर है और एक क्या है वैसो कॉन्स्ट्रक्टर है। तो मतलब कि ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और ये ब्लड प्रेशर क्या करता है कम करता है, हम तो सही है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होता है, तो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव तो ल्यूटिनाइजिंग ये होता हार्मोन है, तो रॉन्ग ये सही होगा। है। अरे यार क्या हो गया, इनकरेक्ट लिखा था ऊपर हो कुछ नहीं रहा कहाँ पे वाले में, इनकरेक्ट पूछ रहा था। अच्छा करेक्ट है, करेक्ट है सर। करेक्ट पूछ रहा है भाई। ठीक है ठीक पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको यही नहीं पता चला। है। नहीं थोड़ा सा सब कहीं पूजा भाई ये सब चैप्टर तो बच्चे बहुत धड़ल्ले से करते हैं। हार्मोन्स हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, आपका हो गया। है ना। सब हम मतलब चार्ट बना के इतना बढ़िया से बताया तो भी याद नहीं किया, एक बार पढ़ लेते सोते सोते पढ़ लेते तभी तो सही हो जाता। जल्दी करिए फटाफट, बहुत क्वेश्चन है इसमें। अरे बहुत मैथ्स अरे यार इतना टाइम दे यार, क्वेश्चन लंबे लंबे यार। में नहीं लगना चाहिए, आप इतना टाइम बायोलॉजी में ले रहे हैं। अरे इसमें क्या लंबे हैं यार, एक एक लाइन का पढ़ना बस। ये पूरा सही है, ऑक्सीटोसिन पेप्टाइड हार्मोन होता है, स्टिमुलेट पावरफुल कंट्रक्शन जब भैया वहां से निकल रहा है भी है। इंसुलिन प्रोटीनियस इंक्रीज अपटेक कैन न्यूट्रलाइज ग्लूकोज बाय बॉडी सेल, ये भी सही है। टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रॉयड और डेवलपमेंट ऑफ एंड मैच्योरेशन एंड मेन सेक्स हार्मोन, ये भी सही है, सब सही है जी, एकदम सही सही लिखा हुआ। तीस सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देंगे, मैं स्किप कर जाऊंगा। कौन सा है हाइपोथैलेमस जो होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीज सी ऑफ इन्हेबिटर, ठीक सी ऑफ है। डी ऑफ डी पर डी पारस इंटरमीडियरी क्या करता है, मेलानोसाइट मैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड क्या होता है, मेलेटोनिन सिक्रेट करता है। एडनल मेडुला क्या कार्य करता है, कि कैटाकोलामिन सिक्रेट करता है। एडनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन करता है, तो ई ऑप्शन हो गया सही। ऑप्शन इसमें थोड़ा सा तो यार रट्टा अभी 10 बार हम ही बताए हैं, मेरा सब गलत बताए, एक भी नहीं आपने सही बताया। ये बताइए, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देंगे मैं बताने लगूंगा, आप बताइए। था।
आप लोग तैयार ही नहीं हो रहे हैं कोई क्वेश्चन में, इतना आसान सा चैप्टर है। एडिशन जी, सही बात है। पूरा अच्छा कॉर्टिकॉइड हार्मोन से होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है मेनली, एड्रेनाल से सिक्रेट होता है, एकदम सही है। मैक्सोडीमा थायरोक्सिन होता है, थायराइड हार्मोन भी सही है। डायबिटीज इंसिपिडिस, इंसुलिन नहीं होता, डायबिटीज मिलिटस होता है, ये गलत हो गया। टिटेनिन गया। कैल्शियम कैल्सिटोनिन से नहीं, पैराथायराइड हार्मोन टिटेनिन होता है, मतलब कम ब्लड, मतलब ब्लड जब कम होता है उसमें रीऑब्जर्वेशन हो जाता है, तब उसमें होता है टिटेनिन। ये हो गया आपका ए। अच्छा जब इसमें लो कैल्शियम लेवल हो जाता है ब्लड में तब टिटेनी होता है, ठीक है। और ये हाई कैल्शियम लेवल ब्लड में कर रहा है पैराथायराइड। टिटेनी पहले बहुत पूछा जाता था। ये सी ऑप्शन होगा सर। सी कैसे होगा आर्यन कहाँ गए, चले गए सर? क्या? नहीं है इसमें देखा जाए तो जो ऑप्शन होगा बी होगा, ठीक एस्ट्रोजन है। से नहीं आता, एडीएच ऑक्सीटोन करेगा ना। पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, बोले थे हम लोग, हम बोले थे याद कर लीजिए, आप लोग याद ही नहीं करते हैं, पता नहीं, एक ऑक्सीटोन तो चार्ट नहीं याद कर सकते हैं। पेप्टाइड हार्मोन आपका एक एडीएच, एंटी डायबिटिक ऑक्सीटोसिन, ठीक है। प्रोटीन हार्मोन कौन होता है, एटीएसएच और एसीटीएच। और अमीन हार्मोन कौन होगा, मेलेटोनिन होगा, थायरोक्सिन होता है। और स्ट्रॉयड तो आप जो इस्ट्रोजन और टेस्टोजन, ये सब तो स्ट्रॉयड है ही। ये बताइए, इनमें सब बड़े बड़े हमने क्वेश्चन जो एक चीजों से कई चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वही रखे हैं। हो गया ना ऊपर वाला, ये बताइए। बताइए, इतना टाइम थोड़ी है। सर अभी तो पढ़ ही रहे थे। एकदम साफ साफ दिख रहे हैं तो नहीं। क्या करेक्ट बताना है ना पुले। ये बताना है? हाँ पूरा रॉन्ग बताना है ना। रिलेक्टिंग ऑप्शन एस्टिमेटिंग फार्मास मिल में मेरी लैंड्स में थे ऑप्शन होना चाहिए। इनकरेक्ट बताना है। अगर देखा जाए इनकरेक्ट, ये प्रोलैक्टिन ऑप्शन हो स्टिमुलेट गया सर स्टिमुलेट करता फर्स्ट। है मिल्क फॉर्मेशन, है सही है एकदम। थायराइड स्टेबिलिटिक हार्मोन स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, ये भी सही है। एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम एडेनल मेडुला से नहीं निकलता, एडेनल कॉर्टेक्स से निकलता है, ये गलत हो, ठीक है। तो सी ऑप्शन केवल होगा। और मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट एंड मेलेनोसाइट मेलेनिन कंटेनिंग रेगुलेशन पिगमेंट और स्किन वगैरह, ये सही है। बाकी सही है, सी गलत है केवल, क्योंकि यहाँ पे एडनल मेडुला लिखा हुआ है, एडनल कॉर्टेक्स होना चाहिए था।
हार्मोन स्टोर एंड रिलीज फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन ना सी। बताइए। कौन सा होगा? इसका होगा ऑप्शन ऑप्शन होगा डी डी, ऑप्शन डी। ये रिलीजिंग हार्मोन ही सिक्रीट करेगा सिनारियो। हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी तो बहुत सारे हार्मोन, लेकिन ओवरी पे कौन सा सिक्रीट करता है? FSH। और इधर टेस्टिस पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एड्रोजन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, डी हो गया। रीजनिंग असर्शन का है। डायबिटीज मिलेटिस इज सिंथेसाइज बाय एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी। सही है। सही है। दूसरा, एंटी डायबिटिक हार्मोन सिक्रेट बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, भी सही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, कोई रिलेशन ही नहीं है। होगा बी हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से बीच में, मैं तीसरे को अलग कर दे रहा हूँ ये यहाँ से। करेक्ट स्टेटमेंट बताना यार, बहुत टाइम है आप लोग लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते क्या आप लोग? न्यूरो हाइपोसाइसिस बोल रहा है। न्यूरो तो हाइपोसाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये होगा ये कैसे होगा यार, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर की बात कर रहा। अभी पोस्टीरियर में बोले कि वो क्या करता है, इसी स्टोर ऑप्शन होगा एंड रिलीज सर, हार्मोन इसको करता रिलीज है, जो करेगा कि हार्मोन्स एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वाला हार्मोन को सिक्रीट करे, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेशन। भाई ये चैप्टर अभी आप लोग पढ़िएगा, आज पता नहीं कैसे पढ़े यार, ये छोटा सा ठीक है चैप्टर अभी सर, पढ़ दिए यार। मैचिंग का ज्यादा आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा उसमें। अरे मैचिंग में तो बच्चे खुश होते हैं यार, अजीब आदमी है। मैचिंग तो कोई कोई बच्चे जो नहीं पढ़े रहते वो भी कभी गलत ही नहीं करते हैं, कम पढ़े वालों के लिए होता है मैचिंग। बच्चे कुछ नहीं जानते, उसको मैचिंग और रीजनिंग असरसत कभी गलत ही नहीं होता। मैं खुद ही देखता हूँ सामने, मैचिंग में तो आपको एक दो मिल गए, बस हो गया। अब इसमें टाइम लगा रहे हैं, सारे डिजीज एक जगह हैं, इसमें टाइम ए लगा रहे हैं ऑप्शन ए। ठीक आप। ये हो गया, एडिशन डिजीज किससे होता है? थर्ड का हो फोर्थ जाएगा, हाइपोसिक्रेशन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कसिंग सिंड्रोम किससे होता है? ये नहीं पता। कसिंग सिंड्रोम ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कसिंग सिंड्रोम होता है। ठीक है, उसी का प्रेगनेंसी किससे अपोजिट होता है? प्रेगनेंसी पहले दिया के था। टाइम, प्रेगनेंसी क्रिएटिनिज्म किसे होता है? के टाइम जब हाइपो थायराइड एक्ट हाइपोथायरायडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैक्सोडीमा,
एक्सोडेमा किससे होता है? हाइपोथायरायडिज्म से, एक्रोमेगेली हाइपर सिक्रेशन। ये दो क्वेश्चन है, अलग कर दे। जल्दी बताइए, इफिशियंसी ऑफ बेस ऑपरेशन काज डायबिटीज मिलेटिस, सही है? गलत गलत हो गया था, आसने हो गया। बताइए जल्दी। पर्सन पासेज मच यूरिन एंड ड्रिंक मच वाटर बट इज ब्लड ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल। दिस कंडीशन में बी द ड्रिंक मच वाटर बट इज ब्लड ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल। दिस कंडीशन में भी रिजल्ट आए रिडक्शन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। कोई मतलब नहीं है इंसुलिन से, वैसोप्रेशन से सारा मतलब है, एडीएच हार्मोन से मतलब है। बताया समझ नहीं था आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब, दिस कंडीशन क्या लिखा है ये? अरे यार इसमें क्यों नहीं समझ में, बोल रहा है कि एक पर्सन है वो बहुत ज्यादा पानी पी रहा है हाँ और बहुत ज्यादा यूरिनेशन कर रहा है और उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल में कोई डिफरेंस नहीं, वही है। तो ऐसे पर्सन को क्या हुआ है? मतलब हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच यानी कि वैसोप्रेशन। मतलब हमने बोला था 20 लीटर पर डे। वैसोप्रेशन सिक्रेशन करेगा ना पोस्टीरियर। रिडक्शन ऑफ वैसोप्रेशन हो जाएगा, हाइपो बी ऑप्शन सिक्रेशन ऑफ वैसोप्रेशन एडीएच हार्मोन की वजह से हो रहा है, जिसे हम लोग डायबिटीज क्या बोलते हैं, इंसिपिडिस बोलते हैं। उस पर्सन को बीमारी अगर पूछता तो क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडिस हुआ है आपको। बताइए, इतना टाइम भाई आप लोग एक क्वेश्चन में ले रहे हैं यार। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी, सही है? ठीक है, पारस मीडिया से सिक्रेट होता है। पिट्यूटरी सेकेंड भी सही है। ग्लैंड इज लोकेट बिलो द हाइपोथैलेमस, सही है? स्टालकॉफ हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है। अरे पिटोसिन प्रोड्यूस फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, सही है? प्रोड्यूस थोड़ा होता ए बी ठीक है। हाँ है। सही है। सोमैटोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट फ्रॉम इंटरमीडिएट पिट्यूटरी प्रोड्यूस ग्लैंड। तो ये तो नहीं होगा सोमैटो ना, ये भी स्टोर सही करेगा है, ना बस पोस्टीरियर लोब तो। स्टोर करेगा लेकिन वो प्रोड्यूस भी यहाँ पे चलेगा। ऐसे क्वेश्चन में मैच नहीं कर सकते, करिए। अगर 1-2 तो कोई सही नहीं है, एक तरह से वो प्रोड्यूसर ही माना जाता है। बस आप, हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन में वो लोग हिंट देते हैं, ठीक है? इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो गलत ही है, फोर्थ वाला ठीक है। सोमैटोस्टेरोन सिक्रेट्स इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी से तो होता नहीं है, फर्स्ट नहीं सेकंड थर्ड हो जाएगा, ठीक फर्स्ट है? कोई भी क्वेश्चन में आपको
हिंट दिया जाता है बस, वो पूछना क्या चाह रहे हैं उसके मतलब वेवलेंथ में आपका जो थिंकिंग का वेवलेंथ मिल रही है तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक ऑप्शन ए, स्टेट। ये ये सही है स्टेट एकदम बार। और मतलब ए और सी से ही हार्मोन होगा। हार्मोन स्टेट ओवरी फंक्शन नहीं करते हैं, रिप्रोडक्टिव अभी नहीं हमने आता, बताया सेम है फंक्शन होता सेम फंक्शन होता है, एक कम सिक्रीट होता है, लार्ज अमाउंट सिक्रीट होता है, ये फास्ट होता है, स्लो होता है, ये डिफरेंट होता है, आगे जाके पढ़ेंगे। बाकी है। देखा जाए थायराइड इज बाइलुब्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन नेक होता है, सही है। थायराइड डब्लू शेप ग्लैंड है, तो गलत ऐसा नहीं, बी शेप कह सकते हैं, डब्लू तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ए और सी सही हो गया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन होगा, आया होगा, जल्दी बताइए। सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है मणिपुर वाले में। पैराथायरॉइड हार्मोन एक्ट इन बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन वन रीअब्जॉर्बेशन, सही है, सेकंड गलत है, सी सही होगा। होगा, क्योंकि पैराथायरॉइड हार्मोन अलॉन्ग विद थायरोकैल्सेरोटोनिन प्ले सिग्निफिकेंट रोल है, तो गलत ही है। ये बताइए, थायराइड के कंट्रोल में क्या नहीं है? हाँ, सर सी और सी और डी क्योंकि ये रिदम और मेलेटोनिन सेक्रेट करता है पीनियल ग्लैंड, और डेवलपमेंट इम्यूनिटी जो सेक्रेट करता है थायमस सेक्रेट करता है, सी डी नहीं कंट्रोल में है। बाकी आप मेंटेनेंस वाटर इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बैलेंस, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करेगा ना सपोर्ट प्रोसेस ऑफ आरबीसी, जब इसमें भी आप लड़ाई करेंगे तो नहीं सही कर पाएंगे। ये तो सही है, इसमें क्या लड़ाई करना। ठीक ये बताइए, जल्दी बताया करिए यार, विच इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट कैल्सेटोनिन। क्या यार, थायराइड ही तो सिक्रीट करता है यार, थायरॉइड थायराइड ही है। होगा, ये करिए, क्या सही है? दोनों ये होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थोरैक्स इंक्रीज मैटरनल ब्लड, सही है। प्रेगनेंसी करेक्टराइज बाय मेटाबॉलिक चेंज इन मदर से भी, सही है, दोनों एक्सप्लेन भी कर रहा है। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है यार, अलग अलग बात है ना। ये सर सेम ही तो बात होगी, प्रेगनेंसी सेम ही तो बात होगी। कह रहा है कि अगर थायरोक्सिन बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक चेंजेस तो आएंगे, पहला तो कौन सा पहला ऑप्शन सही है ना? ही लग रहा है। हाँ फर्स्ट सही है, यहाँ पे नॉट एक्सप्लेन है, कभी कभी उल्टा दे देते हैं। यहाँ तक है क्वेश्चन, मैच करना है, करिए जल्दी। भाई आप लोग डिजीज बहुत देर में बताते हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या होगा? मेटाबॉलिक रेट बहुत बढ़ जाता है। इसका आंसर हो गया ए, सेकेंड ऑप्शन। हाँ और फर्स्ट ये हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या डिजीज। होगा? एडिशन डिजीज होगा।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो जाता है। हाइपोथायरायडिज्म से क्या होता है? थोड़ी माइंड में सेट होता है। हाइपर गेम। पैराथायरायडिज्म से क्या हो जाएगा? कशिंग सिंड्रोम हो जाएगा ना? नहीं, ये किडनी स्टोन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। क्योंकि कैल्शियम बढ़ जाएगा ब्लड में, इसलिए। हाँ, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। ऊपर वाला ही क्वेश्चन लगभग रिटिनिज्म क्या होता है? हाइपोथायरायडिज्म होता है। प्रेगनेंसी का टाइम, तो सेकेंड ये हो गया। मतलब कौन जी नहीं है, सिंपल गॉइटर होता है भाई, हाइपोथायरायडिज्म हो गया। आयोडीन थर्ड हो गया, आयोडीन डेफिशिएंट डाइट। कशिंग तो सिंड्रोम, होता है हाइपोथायरायडिज्म का से एडल्ट हाइपर सिक्रेशन हाइपोथायरायडिज्म करता है ना, हाइपर कोसेग्लिकोसिस सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो जाएगा। हाइपर सिक्रेशन मैक्सोडीमा तो ये बोलते होता हैं, है। डेड कौन सा आ गया? उठे। थर्ड सेकंड डी थर्ड ऑप्शन आ गया। ये बताइए, इनकरेक्ट बताना बी ऑप्शन, बी है। बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, डिक्रीज बोल रहा है जबकि इंक्रीज करता है। बाहर की सेला टर्सी का बोनी कैप्टिव विच इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड। सही थायमासिन प्ले मेजर रोल इन लिम्फोसाइट, है, और मिडिल जोन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स इज सही जोन ऑफ फैसिकुलेटर होता है। है। जीएफआर भी बोला, याद रख। ठीक है, हो गया। बी ऑप्शन, बी 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 डी बी फॉर बॉल, थाइमस। होगा, ओल्ड एज में चला जाता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि स्टिमुलेशन द प्रोसेस ऑफ बोन रीऑब्जर्वेशन डिक्रीज कैल्शियम लेवल। पैराथायराइड के लिए बोल रहा है सारा चीज, जितना भी पैराथायराइड में आप पढ़ते हैं यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बोन रीऑब्जर्वेशन स्टिमुलेट नहीं करता ना, तो गलत हो गया। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो ये सही है, पहला गलत तो है? सही हाँ, होगा ना, करता है क्या? अच्छा लेकिन ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है। हाँ, मतलब वैसे नहीं होगा। तो ये सही है एक तरह से, ये गलत है, इंक्रीज करता कैल्शियम लेवल। डी सही है रिप्जर्वेशन और डी गलत है। ये सही है, ठीक है। और डिक्रीज ऑब्जर्वेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइट इंक्रीज करता है। देखिए, डिक्रीज को इंक्रीज बना दिया है बस, और इंक्रीज मेटाबॉलिक कार्बोहाइड्रेट, तो ये क्या करेगा? डिक्रीज करता है, क्योंकि उसे कैल्शियम चाहिए। नहीं, तो यस ये सर, हो गया डायरेक्ट। देखिए, सब क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं? नहीं डायरेक्ट, या तो आप एकदम याद रखिए। मेरे को बस वहां दिक्कत आती है उस वाले में, मतलब याद नहीं कर कौन से टाइप सकते। का हार्मोन होगा, स्टेरॉइड वाला, मीन वाला, वाला प्रोटीन अरे यार, वाला। उसको चार्ट हम बना के दिए थे यार, चलो आप तो बोल भूल रहे जाता हूँ थे। मैं, इसमें ऐसे में सही में याद किया था कल। ठीक चलिए, ये बताइए, सर, ए सही है, रीजन गलत है। ये सही है।
डी ऑप्शन हो जाएगा ना। ऑस्टियोपोरोसिस कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। ईस्ट्रोजन सही, के कम होने से होता है और उसके बढ़ने से पैरासाइट। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज लेवल ऑफ इस्ट्रोजन। इंक्रीज नहीं, डिक्रीज लेवल होता है इस्ट्रोजन। मीनोपॉज के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है लेडीज में, जिसमें अब बैक पेन बहुत होता है और नेक के पास पेन, नेक के नीचे गर्दन में बहुत पेन होता है, वहां पर जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। मतलब कि जैसे पर्सन है, यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे ज्यादा हिप के पास ज्यादा होता है। आंसर बताइए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थर्ड गलत एडिनोकॉर्टेक्स होगा सर। एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सही है। वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर स्टिमुलेटरी ऑब्जर्वेशन डी ऑर्डर। ऑप्शन सही है। पैराथायराइड डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता बार बार आ रहा। अच्छा थायराइड भी नहीं होगा, पैराथायराइड हार्मोन होगा ये सॉरी नहीं हो। वो पैराथायराइड। हाँ लेकिन हाँ, ये भी नहीं होगा अब वो भी पैराथायराइड। गलत है सोर्स। मेलाटोनिन पिनियल मेंटेन ये सब सही करता है है, ये तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है मैच। ठीक है, तो थर्ड हो जाएगा आंसर। यहीं तक है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर ग्लैंड इज करेक्टली मैच विद अकॉम्पनाइंग डिस्क्रिप्शन। क्या ए ट्रॉफी मतलब बताना? डिक्लाइन होगा। ए ए ट्रॉफी ट्रॉफी। मैंने ए ट्रॉफी मतलब सूख जाना, मतलब कि हाँ तो बी होगा, बी होगा एक तरह से सूख जाना। बी होना चाहिए। हाँ भी होगा। थायराइड हाइपर एक्टिविटी ऑफ यंग चिल्ड्रन कॉजेस क्रिटिनिज्म। पैराथायराइड सिक्रीट हार पैराथायराइड विच प्रमोट मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम ब्लड इनटू बोन ड्यूरिंग कैल्सीफ्रेशन। नहीं, गलत है, उल्टा बता रहा है। तो उल्टा बता रहा है इसको। पहले वाले में ये भी है। वो तो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। और पेनक्रिया डेल्टा सेल से नहीं निकलता है, किस सेल से निकलता अल्फा है? क्या अल्फा निकलने के से लिए? आइसलेट ऑफ लैंगरहंस सीक्रेट हार्मोन विच स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो अल्फा ग्लाइकोलिसिस तो सेल। इंसुलिन करेगा ना, तो बीटा सेल हो गया ना। बीटा सेल होगा इसमें तो। ठीक बताइए इसमें। तो आसान सा यार, तुरंत बता देना चाहिए। डी डी नहीं होगा यार। ये सर होगा इसमें सी होगा। रिलीज एड्रेनल मेडुला तो सही बता रहा है, लेकिन हाई सिंपैथेटिक टोन होता है इसमें। ये वाला बता हाई दो, दूसरा वाला पॉइंट नहीं आ रहा समझ। मतलब यार आप नर्वस सिस्टम नहीं जान रहे। अरे सर सिंपैथेटिक क्या करता है? स्ट्रेस हार्मोन होता है। पैरासिंपैथेटिक उसको नॉर्मलाइज करता है। मतलब जैसे हार्ट बीट मतलब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाएगा, और पैरासिंपैथेटिक बाद में उसको नॉर्मलाइज करेगा। पूरा पढ़े हुए तो समझ गया यहाँ समझ। पे एडिनल मेडुला है, हेयर 3F है, तो इसमें बढ़ाएगा ना तेजी से, स्ट्रेस सिचुएशन है ना, इसलिए ये सही है। दोनों मिला के दिया। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इसमें। अब ये तो लो हो नहीं सकता है, ये भी लो नहीं है।
छोटा सा क्वेश्चन है। एडिशन डिजीज रिजल्ट किससे होता है? हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रेनल हाइपोसिक्रीशन ऑफ कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स। आसान सा क्वेश्चन है। कॉर्टिसोल सिक्रेट एड्रेनल कॉर्टेक्स। इन रिस्पांस टू स्ट्रेस, ठीक सही है। इन एडिशन एक टू सेकेंड एक फंक्शन सेकेंड इन स्ट्रेस रिस्पांस, फंक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक। एन दोनों होगा क्या? एक दोनों थे सुन। इसमें दोनों चीजें होगा, ठीक है। इनहेबिटिंग हाइपोथैलेमस सो दैट कॉर्टी ट्रोपिन रिलीज हार्मोन सिक्रेट रिड्यूज हो जाता है फीडबैक मैकेनिज्म से, ठीक है। इनहेबिट द एंटीरियर पिट्यूटरी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, जिसमें कॉर्टिट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बाय रिड्यूसिंग पिट्यूटरी सेंसिटिविटी ऑफ टू सी आर एच, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म वही बोल रहा है, अगर आप देखेंगे फीडबैक मैकेनिज्म से वो करेगा, ठीक है। ये बताइए फंक्शन ऑफ सोमैटोस्टेटिन सोमैटोस्टेटिन क्या होता है? बताइए तो ये आसान ऑप्शन से। सी डी। अरे गोनेडोट्रोपिन सोमैटोस्टेटिन क्या करता है? इनहिबिटरी हार्मोन है ना, इनहिबिट करता है ना, हाँ तो किसको? ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिट करता है। ये तो डी हो जाएगा सीधा सीधा, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे। बताइए तो आसान सा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है 22 ईयर ओल्ड अबाउट फेस इंटरव्यू, सी इज रेस्टलेस इज स्वीटिंग हर हार्ट बीट लोस्टरॉन हैव इंक्रीज, क्या लोस्टरॉन दीज सिम्टम आर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सिक्रीशन ऑफ कैटाकोलामिन। कैटाकोलामिन होगा ना, दोनों नाइस एपिनेफ्रिन सिक्रीट करता है और नारेपरेफरेंस सिक्रेट करता लोस्टरॉन ही होगा। है। एल्डोस्ट्रॉन नहीं होगा, एवं तो एडनल कॉर्टेक्स की बात हो गई ना, एल्डोस्ट्रॉन एडनल मेडुला की बात है ना, यहाँ पे एडनल मेडुला ही 3F मैनेज करेगा ना। कैटाकोलामिन दोनों को मिला के बोला जाता है। सब लोग ये फेस करते हैं। थोड़ा बहुत तभी हो गया होगा, क्वेश्चन गलत हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता ए ऑप्शन होगा इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल। है। ये होगा, ऐसे तुरंत बताना चाहिए। इसमें क्या है, कई बार कर चुके होंगे सारे क्वेश्चन। आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है वही मेरे पास भी है, उसी में से मैं भी निकालता हूँ। बी जो ऑप्शन फॉर ये रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ इंसुलिन, जो बी कि यस इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल ग्लूकोज फ्राइंग। लेवल फॉर्मूला प्रेजेंट डिक्रीज। ये दो क्वेश्चन है, एक फिगर वाला है। रेनल ट्यूब्यूल एल्डोस्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो क्या करता है?
एब्जॉर्बेशन ऑफ ऑप्शन सोडियम सोडियम एच टू वाटर। एलिमिनेशन और डी ऑप्शन। एब्जॉर्बेशन करता बी ऑप्शन। है वो, बढ़ाएगा कि फेंक क्यों देगा मुझे दे? सर तो काम का है। आप सोचो, अरे एंडोस्टन मिनरलो कॉर्टिकॉइड है और सोडियम पोटेशियम ये सबका रिएब्जॉर्बेशन बढ़ाता है, रेगुलेट करता है, होमोस्टेसिस मेंटेन करता है। आप लोग तो उल्टा बहुत जगह सोचते हैं, पता नहीं। चलिए क्या हुआ सर? बताइए, क्वेश्चन बताइए। यक्ष क्या है? अरे रेक्स मेडुला है, तो तो आंसर बताइए। कैटेकोलोमाइन उसका आंसर होगा कैटेकोलोमाइन। होगा। बताइए, जल्दी बताइए यार। सेकंड हार्मोन ऑफ एड्रेनल डेवलपमेंट, सेकंड तो सही है। कैटाकोलेमिन आल्सो इमरजेंसी हार्मोन। सही है, कैटाकोलेमिन आल्सो नोन एज 3F हार्मोन। दे प्ले रोल इन मैनेज स्ट्रेसफुल कंडीशन लाइक फाइट सी गलत फ्लाइट लग रहा है, पर ऐसा ऑप्शन फाइट। तो है नहीं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिंडलो काट का, सब सही है। हाँ ऑल द सही है। स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन दिया, ऑल द स्टेटमेंट करेक्ट। पहला हम्म, अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद हो जाएगा ये सारे। ये बताइए, बार बार बताएं, GFR ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सही है। ग्लोमेरुलर शकर, सेकंड ऑप्शन वो सेकंड ऑप्शन सेकंड नहीं होगा भाई, मैंने गलत लिखा है। बताइए, एडिनल मेडुला तो भैया कैटाकोलामिन ही सिक्रेट करेगा, अभी बार बार पढ़ चुके हैं। अगर हम डी का सेकंड मिलाएं तो दो हो गए, सी और डी। और जोना ग्लोमेरुलेशा क्या करता है? मिंडलो कॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है, ठीक है। तो ए का फोर्थ हो गया, ए का फोर्थ सी ऑप्शन में में आ आएगा गया, ठीक है। और जोना फिर। फैसिकुलेटा क्या सिक्रेट करता है? बी बताइए। ग्लूको जो फैसला जो ना हाँ ग्लूको लाइकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता कॉर्टिकॉइड्स। है, यानी कि जो ना रेटिकुलेटा एंड्रोजन सिक्रेट करता है। इसको ये याद कर लीजिए। और इसको जो ना फेस्कुलेटा को क्या लगा दें? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। GFRMGA याद रख लीजिए, या तो याद रखना है। बार बार आता है क्वेश्चन, GFR मेगा याद रख लीजिए, मेगा फर। एक क्वेश्चन है, जल्दी से मैच करिए भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है। RN गलत हो जाता तो चुप हो जाते हैं, लगता है भाग गए। नहीं सर, आगा नहीं हूँ। डेल्टा सेल ऑफ पैनक्रियाज, टोमेटो स्टार्टिंग मिलाइए, ये तो फिर से गलत ना हो मोदी जाए। है तो मिलाइए, गलत होगा अच्छी बात। सी ऑप्शन डी। ये ऑप्शन होगा इसमें। डेल्टा सेल क्या सिक्रेट करता है? वही सोमेटोस्टेटिन हो जाएगा। और एफ कहाँ गया? इनहेबिटरी हार्मोन है,
ये यहां से ला रहा है यहाँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक ही मिल जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करना रहता, ठीक है। मेडुला इपिनिफ्रिन सिक्रेट करेगा में, ये बताइए, जल्दी बताइए भाई। इनहेबिट रेगुलेशन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन ब्लड कुड बी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग वन ऑफ द बी फॉलोइंग एड्रेनल कॉर्टेक्स एड्रिनल को प्रोड्यूस बी एंडोस्टेरोन। एलोस्टेरॉन बी हाँ एलो ये वाला करिए। इन ह्यूमन बींग सी टेस्टिस लारी आर स्टोमा गलत है, सी किस, आर गलत है। मैं कैसे कह रहा हूँ असर्शन सही है और रीजन गलत है, सी होगा। सी होगा ये? वो तो आसान सा क्वेश्चन था। इस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन और स्टेरॉइड हार्मोन मोस्ट लाइकली बाइंड। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से बाइंड करता साइटो है, उधर पढ़ाया था मैंने, अब देख लीजिएगा दोनों को, ठीक है। ये बताइए, प्लेसेंटा का स्टू का इसी हो गया। प्लेसेंटा 2 हो गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। एक ही है बाकी आप जोना प्लेसिडा वगैरह जानते हैं, बर्बोरेशन लीडिंग प्लांट, ठीक तो है, सब कई बार पढ़ चुके हैं। बर्बोरेशन लिब्रिकेशन करता है, ये अलग अलग है। अगर आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी सो डेवलपमेंट ग्रोथ ओवर इन फर्दर डेवलपमेंट इस्ट्रोजन मेमोरी हाई पिच सर वॉइस एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। सब कुछ मतलब मेल फीमेल में इस्ट्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन ही करता है, ब्यूटी हार्मोन बोलते हैं। बताइए इसको जल्दी। ऑक्सीटेशन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, एक का यस। प्रोलेक्टिन क्या करता है? वही ब्रेस्ट आपको टिश्यू का वो लैक सैमरी ग्लैंड लैक्टेशन ऑफ और फिंगर्स होता है, लैक्टेशन का। लैक्टेशन। हाँ आर का तो कौन सा हो गया? मिल गया, एक और मिल जाएगा मिल तो गया यार, ये मिल गया, एस एक और मिल गया ना, बाकी हाँ अब निकालिए। नहीं। सर सर हाँ मिल गया ए में मिल गया भी दे रहा है, डी में भी दे रहा है ना। हाँ नहीं ठीक है ठीक है सर, ये ऑप्शन ही सही होगा। कहाँ यार, मिल तो गया, दो ही में तो है ये। हाँ ये ऑप्शन सही होगा। आप लोग तो एडनो हाइपोफाइसिस प्रोड्यूस गोनाडोट्रोपिन, सही है। सही है। वोल्वा व्हिच ऑफ द अबव फैक्टर इन्फ्लुएंस सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। तो सारे हो जाएंगे ऐसे चीजों में, सारे इफेक्ट करेंगे कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन तो कॉमन, एक काम तो कर नहीं सकते पूरा। ये बताइए, एंजाइम सर, ये तो एक एंजाइम होता है ना, कोई
पुलिस। कहाँ से सीक्रेट होता है? GIT से अभी पढ़े हाँ रेस्टोरेंट इस्तेमाल बताओ। बताइए भाई, बल्कि जल्दी जल्दी बताइए। होता है। ए ऑप्शन होगा, एक सेकंड निकालो। ए ऑप्शन होगा, जस्टा ग्रैंडस जो अपसेल ऑफ द किडनी, ये बताइए। मनोला सीक्रेशन टारगेट बताना है करेक्टली मैच। तो गैस्ट्रिन, स्टमक लाइनिंग, ऑक्सेंटिक ऑक्सीजन। प्रोडक्शन, यही सही होगा। लेकिन मतलब आप लोग ये पढ़े नहीं है तो हम बता दे रहे हैं ये वाला। हाँ, सिलेबस में नहीं आना है। अब वो कट गया ना, तो ऐसा तो नहीं देना चाहिए। ज्यादातर पॉसिबिलिटी तो है। ये बताइए, ये तो पढ़ चुके हैं, ये तो क्वेश्चन लगा चुके हैं। रिगार्डिंग केमिकल तो नेचर ऑफ। अच्छा, ठीक है ठीक यार है। इनकरेक्ट ना सर, जो भी पूछ रहा हो बताइए। सी ऑप्शन सी। मैं तो पहले भी क्वेश्चन पार्ट अपना लाइब्रेरी में दिए। ऑप्शन तो पढ़ने पड़ते हैं ना, तब पता होगा आंसर। अरे भाई बहुत फटाफट करते हैं लड़के, हमारे सामने करते हैं कुछ, जैसे ही बोलो ऑप्शन बी सी ऐसे बोलते हैं। आप नहीं समझते हैं, हमारे सामने बहुत ऑफलाइन में बच्चे सामने ही पेपर करते, मैं बैठा रहता हूँ। में थोड़ा स्पीड ज्यादा हो जाती होगी। तो स्पीड क्या आपकी कम है? कोई रोका थोड़ी है। और डाइस्ट्रॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी, रेडी। टी नहीं होगा, ये होगा बाइंडिंग डीएनए फ्रॉम टी बाइंडिंग टू हार्मोन। डीएनए हार्मोन्स को कंप्लीट करें। चलो ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा, ये 2019 का क्वेश्चन है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं बनाया लग रहा है। ये करिए फटाफट, ये भी पुराना क्वेश्चन है 2019 का, ये अभी फिगर भी देखे थे। ए और बी बताना है और सी बताना है। ए क्या है? ए सर ए होगा प्रोटीन भी हार्मोन। होगा, प्रोटीन प्रोटीन होगा। हार्मोन सर रिसेप्टर बी क्या होगा? रिसेप्टर होगा। सी क्या है? होगा, सेकेंडरी मैसेंजर है, साइक्लिक एमपी हो, ये हो जाएगा।